क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सुबह देरी से सोकर उठते हैं? क्या आपको भी देर रात तक सोने की आदत है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको साफ कर देंगे कि देर रात जगने से आपके दिमाग पर अच्छा प्रभाव पड़ता है या बुरा। यूं तो हमारे समाज में देर रात तक जागने वाले को लापरवाह और आलसी माना जाता है, पर विज्ञान इस विषय में कुछ और ही कहता है। विज्ञान के अनुसार देर रात तक जागने वाले लोग ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। आपने अपने आसपास भी देखा होगा, जो लोग रात में देरी से सोते हैं वो अधिक सक्सेसफुल और पैसे वाले होते हैं बजाय जल्दी सोने वालों की तुलना में। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम बचपन से तो ये सुनते आ रहे हैं कि जल्दी सोना चाहिए और फिर जल्दी उठना, फिर सही कौन सा है? तो आज इस वीडियो में उसी सवाल का जवाब है कि जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो सही है, या फिर जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि देर रात तक जागने वाले और उनकी बौद्धिक क्षमता में आखिर क्या संबंध होता है और उनके जीवन पर क्या असर पड़ता है। और यकीन मानिए, ये जानकर आप अपने सोने के टाइम पर जरूर ध्यान देंगे। आइए आपको सब कुछ समझाते हैं विस्तार से आसान हिंदी भाषा में। सबसे पहले एक मशहूर लेखक बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात आपको बतला देते हैं। उन्होंने कहा था कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। कुछ समझ आया? अगर नहीं तो चलो हिंदी में समझा देते हैं। यानी जल्दी सोना और जल्दी उठना एक व्यक्ति को स्वस्थ और समृद्ध बनाता है, और ऐसा ही कुछ हमारे भारतीय संस्कृति में भी कहा जाता है। लेकिन विज्ञान के अनुसार सुबह जल्दी सोकर उठने वालों की बौद्धिक क्षमता देर रात तक जागने वाले और सुबह देरी से उठने वाले लोगों की तुलना में कम होती है। यानी रात में लेट से सोने वाले और सुबह लेट उठने वाले लोगों की बौद्धिक क्षमता जल्दी सोने वालों से बहुत ज्यादा होती है। लेकिन रुकिए, ये सुनकर आप देर रात तक जागना शुरू मत कर देना, क्योंकि एक रिसर्च में जल्दी सोकर उठने वाले व्यक्तियों को आशावादी, ज्यादा फुर्तीला और ज्यादा कॉन्शियस बताया गया है। क्योंकि जल्दी सोकर उठने वाले लोग सूर्य की नेचुरल लाइट में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जो कि उनके शरीर को वातावरण के साथ सिंक और स्वस्थ रखता है। हाल ही में डॉक्टर्स ने MRI स्कैन में पता लगाया है कि दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सुबह के टाइम ही ज्यादा एक्टिव रहता है, और दिमाग का ये भाग ही प्लानिंग करता है, इच्छा शक्ति बढ़ाता है, निर्णय लेता है, और ये इच्छा शक्ति ही है जो हमें बड़ी से बड़ी चीज प्राप्त करवाने में मदद करता है। मतलब जल्दी सोकर उठना किसी भी लिहाज से खराब नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर सब अच्छा अच्छा है तो समस्या क्या है देर रात तक जागने वालों के साथ? चलिए तो आपके इस सवाल का उत्तर दे देते हैं। जैसा शुरू में आपको बताया गया है कि देर रात तक जागने वाले व्यक्तियों की बौद्धिक क्षमता जल्दी सोने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा होती है, तो क्या आपको भी अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए देर रात तक जागना चाहिए? इसके लिए आपको पहले कुछ बातें जानना जरूरी है। दरअसल देर रात तक जागने वाले समाज में लोगों से जुड़ नहीं पाते, यानी वो समाज के साथ सिंक नहीं रहते, और रिसर्चर्स ने ऐसे लोगों को नाम दिया है सोशल जेट लैग। यानी जो लोग दुनिया में जो काम सुबह जल्दी सोकर उठने वाले पहले ही कर लेते हैं, वो देर तक सोने वाले बहुत ही लेट करते हैं। मानो वो ऐसे जी रहे हों जैसे वो किसी दूसरे देश के टाइम जोन में जी रहे हों। चलो एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति रात को 2 बजे सोए और उठे सुबह 11 बजे, तो उसके लिए दिन की शुरुआत तो 11 बजे से ही हुई। उसे दिन 11 बजे से शुरू करना है। वो समाज में अभी
हर काम में पीछे है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम रात में लेट सोए लेकिन सुबह जल्दी उठ जाएं तो क्या होगा? तो आपकी नींद की कमी से आपके ब्रेन की फंक्शनिंग पर असर पड़ेगा और इन दिमाग के बदलाव को फिजिकली भी देखा जा सकता है। इस बदलाव को आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जो इस फोटो में आपको साफ दिखाई दे रहा है। आप जो दिमाग में सफेद रंग का एरिया देख रहे हैं वो है व्हाइट मैटर, जो लोगों में रात भर जागने के कारण कम होने लगता है। ये एरिया ब्रेन में हार्मोन के पाथवे की तरह काम करता है। इनके कम हो जाने के कारण से ब्रेन में हार्मोन के पाथवे का रास्ता भी कम हो जाता है, जिसके कारण हमें खुश रखने वाले हार्मोन्स भी बहुत कम बहने लगते हैं, जैसे डोपामाइन और सेरोटोनिन। और इसी कारण से देर रात तक जागने वालों में लैक ऑफ विल पावर और आलस्य साफ साफ देखा जा सकता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल तेजी से दौड़ रहा होगा, जिसके लिए आपने ये पूरा वीडियो देखा है कि देर रात तक जागने वालों में बुद्धिमता कैसे बढ़ जाती है। देर रात तक जागने वालों के दिमाग में कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। इसके बढ़ जाने से देर रात तक जागने वाले व्यक्ति किसी भी अचानक से आने वाले खतरे के प्रति पहले ही सजग हो जाते हैं और रिस्क उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिससे नई नई संभावनाएं उनके लिए बनने लगती हैं। और इसी वजह से ऐसे लोग क्रिएटिव हो जाते हैं और फाइनेंशियली ग्रो करते हैं। ऐसे लोग किसी चीज को समझने की शक्ति को विकसित कर लेते हैं और यही उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाती है। आपने अपने आसपास 90% लोग ऐसे देखे होंगे जो रात में देरी से सोते हैं, वो ज्यादा पैसे वाले होते हैं। ये उनकी बौद्धिक क्षमता के कारण होता है। यानी साफ है, सुबह देरी से उठने के नुकसान के साथ साथ फायदे भी हैं। आप किन लोगों में से हैं, सुबह जल्दी उठने वालों में से या फिर सुबह देरी से उठने वालों में से, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।